नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 का VXI प्लस वेरिएंट। बिल्कुल टॉप मॉडल है भाई वो है ये। इसमें आपको CNG नहीं मिलती, सिर्फ पेट्रोल में मिलता है। 800 CC का इसमें आपको इंजन मिलेगा। फ्रंट की बात करो तो फ्रंट में LXI और VXI प्लस में कुछ भी चेंज नहीं है, वो वहाँ पे खड़ा है ग्रे कलर में LXI CNG में। और ये है भाई VXI प्लस जो इसका टॉप है, ये टॉप है वो बेस है। सेम इसमें ग्रिल मिलेगी, सेम इसमें आपको हेडलैम्प मिलेंगे। इसमें भी आपको 12 इंच का स्टील रिम मिलेगा ब्लैक कलर का, इसमें भी आपको 12 इंच का स्टील रिम मिलेगा ब्लैक कलर का। साइड में आपको चेंज मिलेगा ORVM का, बाकी और कुछ चेंज नहीं है। इसमें LXI में आपको सिंपल वाले ORVM मिलेंगे और इसमें आपको मिल जाएंगे ये इस टाइप के। इनको हम अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें ये नॉब दी गई है, बाकी और कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। ये है भाई साइड प्रोफाइल और इसका जो फ्रंट साइड में, और कुछ भी चेंज नहीं है कहीं भी। यहाँ पे फेंडर के ऊपर इसमें आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा, उसमें भी फेंडर के ऊपर ही मिलता है। डोर हैंडल है, ये बॉडी कलर मिल जाएंगे। बाकी भाई यहाँ पे इसका टायर प्रोफाइल आपको दिखा दूँ, 145 CR 12 का इसमें आपको टायर मिलेगा। फ्यूल फिलर कैप इसमें यहाँ पे मिल जाएगी, ये कंपनी की तरफ से इसमें आपको साइड में मिलेगी, जो साइड ये बीडिंग बोलो इसको, तो ऑल्टो लिखा हुआ है इस पे, ये कंपनी की तरफ से ही लग के आई है, एक्सेसरीज नहीं है। रियर में भी कुछ चेंज नहीं मिलेगा आपको LXI और VXI प्लस में। यहाँ पे आपको जो इसका टेल लाइट है वो भी सेम मिलेगा, 3 इसमें आपको बल्ब मिलेंगे वो भी हैलोजन, यहाँ पे ऑल्टो लिखा गया सुजुकी का लोगो। बम्पर बॉडी कलर्ड मिलेगा, बम्पर के ऊपर आपको मिल जाएंगे 2 पार्किंग सेंसर, बाकी और कुछ नहीं है। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको ना डिफोगर मिलेगा, ना वाइपर, ना वॉशर, कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे एक हाई स्टॉप लैंप मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पे कोई एंटीना वगैरह, स्पॉइलर वगैरह कुछ नहीं मिलता। एंटीना आपको यहाँ पे साइड में मिलेगा। ये LXI है, इसमें भी आप देख सकते हैं सारा कुछ सेम ही दिया गया है, कुछ चेंज नहीं है। 2 पार्किंग सेंसर इसमें मिलते हैं, हाई स्टॉप लैंप मिलेगा, बाकी और कुछ नहीं मिलता इसमें। ये है इसका ड्राइवर साइड का लुक। यहाँ पे अब बात करते हैं अंदर जाके इसके इंटीरियर की, इंटीरियर में क्या कुछ इसमें मिलेगा। ये भाई इसका इंटीरियर ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलेगा, सेम वही कलर थीम मिलेगा इसमें भी, लाइट और डार्क का इसमें थीम मिल जाएगा। यहाँ आपको ब्लैक कलर का हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, पूरा डोर पैनल है जो उसके ऊपर, बीच में थोड़ा सा पार्ट दिया गया है वाइट कलर का। सिल्वर कलर का इसमें ये डोर हैंडल मिल जाएगा, कोई इसमें पावर विंडो का कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा डोर के ऊपर। यहाँ आपको स्पीकर मिल जाएगा, इसमें आपको कोई बोतल होल्डर वगैरह नहीं मिलता। ये है भाई इसका डैशबोर्ड, डैशबोर्ड भी पूरा आपको ब्लैक कलर में मिलेगा, ऊपर से नीचे इसमें लाइट कलर मिल जाएगा। बाकी और देखने में वैसा कुछ चेंज नहीं है इसमें। यहाँ पे सिर्फ एक मोटा चेंज यही है कि इसमें आपको टच म्यूजिक सिस्टम मिलता है, उसमें आपको LXI में कुछ भी नहीं मिलेगा और VXI में आपको सिंपल वाला इसमें म्यूजिक सिस्टम मिलता है। यहाँ पे आपको एक एयरबैग मिल जाएगा, एक एयरबैग इसमें यहाँ पे मिलेगा। और भाई जो इसके साइड वाले एसी के वेंट है उसमें आपको ये सिल्वर कलर का रिंग दिया गया है, उस बीच वाले ब्लैक कलर के मिलेंगे जो एसी के वेंट है। हैजार्ड लाइट का स्विच यहाँ मिल जाएगा और भाई यहाँ पे भी आपको सिल्वर एलिमेंट इसमें मिल जाएगा जो इसका म्यूजिक सिस्टम उसके तीन तरफ। यहाँ पे वॉइस असिस्ट का ये बटन मिलेगा और भाई नीचे यहाँ पे इसमें मैनुअल एसी यूनिट दिया गया है, सारा इसमें वही सेम कंट्रोल मिलेंगे। ये इसके मोड्स के लिए, ये है जो ब्लोअर की स्पीड है उसके लिए, और यहाँ पे दिया गया है जो इसका टेम्परेचर है उसके लिए, यहाँ पे एसी ऑन ऑफ करने के लिए। ये है भाई इसका जो एयर सर्कुलेशन है उसको एडजस्ट करने के लिए। इसमें आपको चेंज मिलेगा सबसे बड़ा यहाँ पे, यहाँ पे आपको इसमें 2 ये सॉकेट मिल जाएंगे। एक मिलेगा 12 वोल्ट का 120 वाट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे मिलेगा आपको USB और ऑक्स का पोर्ट। यहाँ पे आप फ़ोन वॉलेट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। इसका जो गियर लीवर की बात करूँ, गियर लीवर इसमें सेम मिलेगा, 5 स्पीड का इसमें गियर बॉक्स है और गियर लीवर भी वही है हार्ड प्लास्टिक के साथ। यहाँ पे 2 पावर विंडो के कंट्रोल मिलेंगे, बीच वाला पार्ट है वही पतला सा दिया गया है, कोई स्पेस वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैनुअल है इसमें हैंड ब्रेक। इस साइड के डोर की बात करूँ तो वो भी सेम थीम पे मिलेगा, सारा कुछ वही मिलेगा जो ड्राइवर साइड मिलता है। ये इसमें फैब्रिक सीट मिलती हैं, इसमें ऊपर की तरफ फैब्रिक मिलेगा और नीचे यहाँ पे रेक्सिन मिल जाएगी, यानी कि फ्रंट में जहाँ पे बैठते हैं ना हम, यहाँ पे फैब्रिक मिल जाएगा और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको रेक्सिन मिलेगी। और भाई इसके जो हेडरेस्ट हैं वो फिक्स मिलते हैं, VXI में भी इसमें एडजस्टेबल नहीं आते। सेम यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा सिंपल वाला, यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलेगा। जो इसका ORVM है वो भी मैनुअल ही, मैनुअल नहीं भाई, इसमें सिंपल मिलता है भाई, डे नाइट एडजस्ट नहीं कर सकते इसको। यहाँ पे आपको माइक मिलेगा, यहाँ पे जो इसकी कैबिन लाइट है वो मिलेगी येलो कलर की, और भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये बिना टिकट होल्डर के। और भाई इसमें चेंज कुछ नहीं दिखा मेरे को, सेम इसमें स्टेयरिंग दिया गया है, स्टेयरिंग के ऊपर यहाँ पे आपको सिल्वर एलिमेंट मिल जाएगा, बाकी और सारा कुछ सेम है। यहाँ पे आपको वाइपर के लिए कंट्रोल मिलेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा हेडलैम्प के लिए, यहाँ पे मिल जाएगा आपको जो इसका हेडलाइट लेवलर है वो की, इसमें चेंज मिलेगी आपको। एक इसमें ये सिंपल वाली की मिलेगी और एक मिल जाएगी इसमें रिमोट की, क्योंकि भाई ये VXI प्लस है। तो भाई अब दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करके,
सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, कुछ इसमें आपको चेंज नहीं मिलेगा। जो LXi है, LXi में यहाँ पे आपको CNG और दिखा देगा, इसमें CNG नहीं दिखाता, क्योंकि भैया VXi प्लस है, इसमें CNG नहीं मिलती, LXi में मिलती है। सेम वही एनालॉग आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, RPM मीटर इसमें भी नहीं मिलता, ना LXi में मिलता। यहाँ पे आपको कुछ वार्निंग लाइट मिलेंगी, कुछ वार्निंग लाइट यहाँ मिलेंगी, यहाँ पे आपको फ्यूल बार दिखेगा, नीचे इसमें ओडोमीटर ट्रिप वगैरह वो दिखाएगा। यहाँ पे जैसे ट्रिप ए आ गया, अब ये ट्रिप बी आ गया, और भाई ये आ गया इसमें टाइम, और ये आ गया ओडोमीटर, बस इतना ही कुछ मिलता है। इसके स्टेयरिंग की एडजस्टमेंट की बात करूँ तो ये भी हम एडजस्ट नहीं कर सकते। ये हो गया भाई इसका फ्रंट। अब चलते हैं पीछे, पीछे देखते हैं इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं। ये हो गया भाई पीछे वाला डोर, सेम वही थीम है इस पीछे वाले डोर का भी, सेम वही प्लास्टिक यूज़ किया गया है जो फ्रंट वाले डोर पे था। और भाई यहाँ पे वाइट कलर मिलेगा, ये पूरा ब्लैक मिलेगा, डोर हैंडल मिलेगा, मैनुअल इसके पावर विंडो मिलते हैं पीछे वाले। VXi प्लस में भी भाई पीछे वाले दो ही पावर विंडो मिलते हैं, LXi में भी दो ही पावर विंडो मिलते हैं। चेंज क्या किया VXi में मेरी वो नहीं समझ में आया, सिर्फ ये म्यूजिक सिस्टम है उसका चेंज कर दिया और एक रिमोट दे दिया, बाकी तो और कुछ चेंज है ही नहीं देखने का वैसे खास। जो ORVM दिए हैं, ORVM भी वैसे हैं, मैनुअली एडजस्ट करने वाले, ये भी पावर वाले नहीं हैं। तो इस वाले ORVM में और इस वाले ORVM में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं हम, बाकी और कुछ इसमें फ़र्क नहीं है। बाकी अगर इसकी सीट की बात करूँ तो सीट भी सेम है, सेम इसमें स्पेस दिया गया है, वही बेंच सीट मिलेगी। यहाँ पे आपको ये फिक्स इसके हेडरेस्ट मिल जाएंगे, बीच में कोई हेडरेस्ट नहीं है, ना आर्म रेस्ट है। सीट का साइज़ भी सेम है, तीन सीट बेल्ट का इसमें ऑप्शन मिलेगा, अंदर स्पेस वगैरह सारा कुछ सेम है। यहाँ पे आपको वही सेम एक कप होल्डर मिलेगा, बीच वाला टनल है वो भी काफ़ी ऊँचा है, तो दो ही बंदे बैठेंगे। वैसे भी भाई ऑल्टो में चार ही बंदे मुश्किल बैठते हैं, वैसे तो तीन बंदे इसमें कंफर्टेबली बैठते हैं। यहाँ पे आपको जो इसके ग्रैब हैंडल हैं वो ऐसे सिंपल वाले मिलेंगे, फोल्डेबल नहीं मिलते, पीछे कोई कैबिन लाइट वगैरह नहीं मिलती। जो इसका बूट है वो आगे से ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ की के साथ ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको आगे से एक बार ओपन कर देता हूँ, यहाँ से इसका स्पेस वगैरह दिखा देता हूँ इसमें कितना आपको स्पेस मिलता है, क्योंकि LXi में भाई CNG लगी थी तो उसमें स्पेस नहीं देख पाए आप। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगी VXi में, नीचे ये स्पेस मिलेगा इसमें, और यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा सेम वही 12 इंच का 145/80R 12 का इसमें स्पेयर व्हील मिलेगा ब्लैक कलर के रिम के साथ। एक बैग आ जाएगा इसमें ट्रॉली बैग, इतना स्पेस दिया गया है। इंजन वगैरह सारा कुछ सेम मिलेगा, इंजन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसमें आपको CNG मिलती है, ये LXi खड़ा है साइड में, और इसमें आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, बाकी और कुछ चेंज नहीं है। जो चेंज थे वो मैंने बता दिए, साइड बाय साइड भाई गाड़ी खड़ी थी। और LXi CNG का वीडियो मैंने बनाया है, वो मैं आई बटन पे लिंक छोड़ दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं LXi CNG में क्या कुछ फ़ीचर मिलते हैं, और उसके हिसाब से आप कंपेरिजन कर सकते हैं VXi प्लस ज़्यादा बेटर है या फिर भाई LXi ज़्यादा बेटर है। एंट्री सेगमेंट की गाड़ी है भाई ये, दोनों सेम सेगमेंट है। 800cc का इसमें इंजन मिलता है, इससे छोटी मारुति के पास गाड़ी नहीं है, 800cc सबसे छोटा इंजन है। इससे ऊपर फिर K10 आएगी, एस्प्रेसो आएगी, उसमें 1000cc का इंजन मिलता है। ये थी भाई ऑल्टो 800 पेट्रोल में VXi प्लस वेरिएंट था। आपको कैसी लगी भाई कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।